8 महीने के पहले से पति के पास बेटी को लेकर आई थी महिला। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन के चार बड़ी खबरों के। पहली खबर आपको बता दें करनाल से, जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ और फसलों का सीएम नायब सैनी ने निरीक्षण किया। और वहीं दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां कुलदीप तेवतिया ने जेजेपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और तीसरी खबर झज्जर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने बयान में कांग्रेस और बीजेपी पर हमला किया। और चौथी खबर सोनीपत से है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 5 साल की बेटी के डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि पहली खबर करनाल से, जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों का सीएम नायब सैनी ने निरीक्षण किया। बता दें कि खबर करनाल से है, जहां ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ और जिससे कई किसानों की फसल खराब हो गई और खेतों में भी ओलावृष्टि और बारिश से फसल बैठ गई। वहीं मंडी में पहुंची फसल का भी ओलावृष्टि से नुकसान हो गया और इस दौरान सीएम नायब सैनी गांव पहुंचे और खराब हुए फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं नायब सैनी धमन हिंडी गांव में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत भी की। तस्वीरें करनाल से है, जहां ओलावृष्टि के कारण किसानों के फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और जिससे कई किसानों की फसलें खराब भी हो गई। वहीं खेतों में ओलावृष्टि और बारिश से फसल बैठ गई और मंडी में पहुंचे फसल का भी ओलावृष्टि से नुकसान हो गया। वहीं सीएम नायब सैनी खराब फसलों का बता दें कि निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं बता दें कि सीएम नायब सैनी गांव पहुंचे और खराब फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। नायब सैनी धमन हिंडी गांव में पहुंचकर फसलों का जायजा ले रहे हैं और किसानों से नुकसान को लेकर उन्होंने बातचीत भी की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, ओलावृष्टि से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और कितना नुकसान किसानों को हुआ है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल दौरे पर, तो ऐसे में जिस तरीके से कल ओलावृष्टि हुई थी और इंद्री के अंदर काफी जो है नुकसान जो है काफी झेलना पड़ रहा था उसमें, इसमें उसके बाद जो आज जो नायब सिंह सैनी है वो करनाल पहुंचे थे और करनाल की जो इंद्री विधानसभा है वहां पर अनाज मंडी के अंदर नायब सिंह सैनी का दौरा हुआ, जहां पर नायब सिंह सैनी ने किसानों से भी बातचीत करी जिस तरीके से, क्योंकि ओलावृष्टि काफी तेज देखने को मिली थी कल, काफी जो इस विधानसभा के अंदर काफी ओलावृष्टि दिखी थी, उसके बाद अब ये स्थिति आज उसको मुआयना करने के लिए पहुंचे थे और कहीं ना कहीं किसानों से बात करने के लिए पहुंच रहे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री आज करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 5 से 6 कार्यक्रम रखे गए, जहां पर अलग कार्यों के साथ जाकर जो चाय पर जो है चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर जो है मंथन जारी करेंगे। जी, लगातार किसानों के फसलों को नुकसान पर सरकार का क्या रुख है? लक्ष्य, अभी तक मुआवजे का ऐलान हो पाया है? बिल्कुल, जिस तरीके से भी देखा जा रहा है कि क्योंकि नायब सिंह सैनी जब मंडी के अंदर पहुंचे थे तो किसानों से भी साथ बातचीत करते हुए जरूर नजर आए, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर दिया गया है और ऐसे में देखना ही होगा कि आखिर क्या कुछ जो है इंतजाम सरकार इन किसानों के लिए करेगी, फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। जी, मंडी में पहुंचे
फसल भी खराब हुई है ओलावृष्टि के कारण, काफी ज्यादा नुकसान मंडी में देखने को मिला है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ मंडी में इंतजाम किए गए थे कि लगातार फसलें खराब हो रही है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से साफ तौर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो इनके लिए जो है जो जो कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाती है, मगर धरातल पर फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं देखने को बनी। जिसके बाद जब कल ओलावृष्टि हुई उसके बाद कहीं ना कहीं सड़कों पर काफी बर्फबारी देखने को बनी थी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब जो सरकार है वो किस तरीके से इनके इंतजाम करती हुई नजर आएगी। जी, लगातार खराब फसलों को लेकर सीएम नायब सैनी खेतों में पहुंचे और उन्होंने खराब फसलों का निरीक्षण किया। क्या आश्वासन सीएम सैनी की तरफ से किसानों को दिया गया है? बता दें कि जहां ओलावृष्टि से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और जिससे कई किसानों की फसलें भी खराब हुई हैं, खेतों में ओलावृष्टि और बारिश से फसल बैठ गई और वहीं मंडी में पहुंची फसल का भी ओलावृष्टि के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस दौरान सीएम नायब सैनी बता दें कि पहुंचे और फसलों का निरीक्षण किया। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं और इस क्रम में आज जेजेपी के हल्का अध्यक्ष और 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके कुलदीप तेवतिया ने अपने समर्थकों के साथ जेजेपी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। वहीं लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उनका स्वागत किया और पटका पहनाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। और इस दौरान बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सबको यकीन है। यही वजह है कि पार्टी में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और साथ ही कुलदीप तेवतिया ने कहा कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। मंत्री जी, आज फिर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग की है और पहले भी जो आपकी पार्टी से क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार है और कुलदीप तेवतिया जी जो यहाँ से निगम पार्षद रहे, अब उनके भाई यहाँ से बीजेपी के निवर्तमान निगम पार्षद हैं कुलवीर जी। तो कुलवीर जी तो हमारी पार्टी में थे ही, हमारी पार्टी से पार्षद थे, निगम पार्षद। कुलदीप जी थोड़े समय के लिए एक छोटे परिवार में चले गए थे, लेकिन छोटे परिवार से फिर बड़े परिवार में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मन से वहां गए थे। मन तो उनका भाजपा में पहले भी था, उस समय भी था और आज भी है। तो आज सहायक रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए, उनका हमने स्वागत किया है और उनको जो मान सम्मान पहले मिला था ऐसे ही पार्टी में उनको मान सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। और छोटे भाई की तरह और बड़े भाई दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। पहले पड़ोस के घर में चले गए थे, झगड़ा वहां पे भी था, लेकिन मैंने सोचा उससे बढ़िया था अपना पुराना ही घर है, वहीं क्यों ना वहां पे चले जाए। तो मैं इसलिए अपने बीजेपी, जो पहले मैं बीजेपी में ही था, बीजेपी ने मेरे को पार्षद बनाया, मेरे भाई को भी टिकट दी, वो भी पार्षद बने, इसलिए मैं वापस बीजेपी में ही आ गया। मेरा दिल्ली लगा उधर। और जो कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार, तो 400 पार ही होगी। और हमारे यहाँ से कृष्ण अपने जो पाल जी हैं, कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं, 10 लाख का जो नारा लग रहा है, हमारी उसमें पूरा सहयोग रहेगा। यहाँ से प्रबल तक जो इतने भी हमारे जानकार है सभी से हम बोलेंगे और कोशिश ये रहेगी हमारी 10 लाख पार ही करवाएं। बता दें कि जननायक जनता पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं और इसी क्रम में आज जेजेपी के हल्का अध्यक्ष और 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके कुलदीप तेवतिया ने अपने समर्थकों के साथ जेजेपी से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उनका स्वागत किया और पटका पहनाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई।
वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, जेजेपी को एक बार फिर से झटका लगा है। पहले तो गठबंधन टूटा, जेजेपी सत्ता से बाहर हुई और उन्हीं पार्टी के नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? सोनिया, देखिए आज जिस तरीके से जेजेपी पार्टी को लगातार जो है वो हरियाणा में झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जाए तो कहीं ना कहीं पहले जो पहला झटका सबसे बड़ा झटका जो लगा वो कहीं ना कहीं गठबंधन जब टूटा तो सबसे पहला झटका यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद जो है तमाम जिस तरीके से जो है गठबंधन का जो सिलसिला था वो टूटा है। टूटने के बाद देखा जाए तो तमाम जो नेता है बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आए, और तमाम तरीके से देखा जाए तो जेजेपी पार्टी अब पूरी तरीके से जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जेजेपी का जो नेता है वर्कर है कार्यकर्ता है वो तमाम जो है वो जेजेपी को छोड़कर के अब बीजेपी में जो है वो अपनी वापसी जो है वो अपने घर में कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसी कड़ी में देखा जाए तो जो पूर्व जो पार्षद रहे हैं कुलदीप सेवतिया, ये जो है शुरू की बात की जाए तो शुरू में जो है पार्षद जो है बीजेपी पार्टी से ही जो है नगर निगम के पार्षद हुआ करते थे, और उसके बाद तमाम बात की जाए तो इसके भाई को भी जो है वो पार्षद की टिकट मिली, वो भी पार्षद है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से जेजेपी में जो नई पार्टी आई उभरकर पार्टी आई थी तो तमाम थे तो कई नए लोग थे वो तमाम पार्टियों को छोड़कर के जेजेपी को ज्वाइन करे, और इसी कड़ी में जो है वो कहीं ना कहीं कुलदीप सेवतिया ने भी जो है वो जेजेपी ज्वाइन कर रखी थी। लेकिन जिस तरीके से अब जेजेपी का जो कुनबा है वो पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने पुराने घर जो है वो वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो सरकारी गुजर भी लगातार कहते नजर आ रहे, क्योंकि उनका बीजेपी का परिवार जो है वो सबसे बड़ा परिवार है, लगातार परिवार जो है वो लगता जो है वो बढ़ता हुआ जो जा रहा है, लगातार लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी का कुनबा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनावों की बात की जाए तो जो नारा 400 पार का लगा रखा है वो तमाम जो कार्यकर्ता जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर 400 पार का जो है वो नारा जो है वो साबित सिद्ध करने के लिए पूरी तरीके से लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का कुनबा जो है सोमवार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी मोनू पांचाल, बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ता नजर आ रहा है चुनाव मोड में, इस तरह नेताओं का बीजेपी में शामिल होना किसे फायदा पहुंचाएगा? मोनू पांचाल, देखिए आज जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हरियाणा स्थल की बात की जाए तो हरियाणा में जो है वो बीजेपी की जो जो कहीं ना कहीं जो ताकत थी जो उभर के आई थी वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुकी नजर आ रही, क्योंकि दिग्गज जो चेहरे थे लगातार जो है बीजेपी को छोड़ करके वो जो है बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कुनबा जो लगातार बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं काफी फायदा यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि तमाम जितने भी जो वर्कर हैं बीजेपी के वो तमाम अपने नेता जो है नेता जो है वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, और तमाम जो उनके वर्कर हैं वो भी उनके साथ आ रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो लोकसभा में काफी जो है वो फरीदाबाद में फायदा होने वाला है। देखिए यहाँ पर देखी जाए तो सबसे अभी तक की बात की जाए तो सोनिया, जिस तरीके से बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनको जो है अभी तक जो है वो फायदा होता हमें नजर आ रहा है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से अभी तक जो है तमाम और पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने जो कैंडिडेट है वो उनके नाम जो है वो घोषणा नहीं करनी, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए चाहे वो नेशनल लोकदल की बात की जाए, अभी दो पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने चेहरे जो है वो कैंडिडेटों के नाम घोषणा नहीं करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया लगातार कांग्रेस भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस में भी बात की जाए तो गुरु गोविंद से बात की जाए या तमाम जो जगह से बात की जाए तो वो भी अब जो है वो कांग्रेस का भी कुंबा लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम चीजों को देखते हुए अभी तक जब चेहरे सामने नजर आएंगे कांग्रेस के तभी मुकाबला पता लग पाएगा कि आखिरकार किसका कुंबा बड़ा है, कौन मजबूत है। जी सोनिया जी, मोनू पांचाल, लगातार जेजेपी को झटका लग रहा है और साथ ही कुलदीप तेवतिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जेजेपी का प्रदर्शन इस चुनाव में कैसा रहने वाला है, कैसे देखते हैं? देखिए आज जेजेपी की बात की जाए तो अभी तक ग्राउंड फील्ड की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो है वो सोनिया मैं आपको बता दूं कि अभी तक जेजेपी का जो बिल्कुल जनाधार है वो यहाँ पर फरीदाबाद में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो नील हुड्डा है
उनको यहाँ पर टिकट दी गई है और उनका जो है किसी तरीके का कोई शोर शराबा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक जेजेपी का कोई जयाधार जो है वो फरीदाबाद में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो जेजेपी तो पार्टी को छोड़ करके लगातार जिस तरीके से बीजेपी में जो है वो ज्वाइन कर रहे तो वो बीजेपी का जनाधार जरूर यहाँ पर काफी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से अभी कैंडिडेटों का जो है फरीदाबाद से नाम घोषणा जब सामने आएगी तो जब ही देखा जाएगा कि आखिरकार किसका जनाधार और ज्यादा मजबूत होने वाला है या आने वाली कड़ी जो है किस तरीके से जनता का रुख किधर रहेगा। जी सौम्य जी, मोनू पांचाल, क्या जेजेपी के साथ सत्ता से अलग होना और जेजेपी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? जो है जितने भी तमाम नेता या कार्यकर्ता की बात की जाए जिस तरीके से बीजेपी में या कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से देखा जाए तो जेजेपी का जो है वो जनाधार बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज जिस तरीके से देखा जाए तो कैंडिडेटों के नाम जो है वो लगातार मजबूत चेहरों को दिए जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद के चेहरे की बात की जाए तो नवीन हुड्डा है उनको जो है वो जनता नहीं जानती आखिरकार किसको टिकट देती है किसको नहीं दी है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जेजेपी से लगातार जो नेता है चाहे वो कुलदीप तेवतिया की बात की जाए चाहे वो तमाम जो और जो कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से जेजेपी का जो जनाधार है वो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नेता यहाँ पर जेजेपी पार्टी को छोड़ करके लगातार बीजेपी और अन्य कांग्रेस पार्टियों में लगातार को जो है वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। जी जी, मोनू पांचाल, पहले जिनके साथ सरकार बनाई थी अब उसी पार्टी के नेताओं का बता दें कि बीजेपी में जाना जेजेपी के भविष्य के लिए क्या संदेश देता है? देखिए अब तक बात की जाए तो जिस तरीके से अब जो है जिस तरीके आज जो कुलदीप तेवतिया जो पूर्व पार्षद रहे हैं बीजेपी के उन्होंने भी जेजेपी पार्टी ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो खुद जो है वो कुलदीप तेवतिया ने बयान यहाँ पर किया है कि आखिरकार जिस तरीके से जेजेपी में लगातार जो कुनबा है जेजेपी का वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जेजेपी के अंदर भी जो है वो फुटबाजी नजर आ रही है। तो इन चीजों को देखते हुए तो जिस तरीके से जनाधार जो क्योंकि जो जेजेपी पार्टी का जेजेपी के कार्यकर्ताओं का सपना था कि आखिरकार जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के साथ जो गठबंधन था पूरे 4.5 साल के करीब जो वो सरकार यहाँ पर चली और तमाम जो जेजेपी के कार्यकर्ता थे उनका यही मानना था कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में अच्छा काम करेगी और गठबंधन के साथ ही जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन टूटा कहीं ना कहीं लोगों के कार्यकर्ताओं की आस टूटी और आस टूटने के बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो जेजेपी के अंदर देखने को मिली तो तमाम कार्यकर्ता नेता जो है जेजेपी को छोड़कर के तमाम पार्टियों में जो है वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेजेपी का पूरी तरीके से हरियाणा में वो जनाधार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कोई फायदा लोकसभा में ज्यादा मजबूत उभर के पार्टी नहीं आएगी। जी जी, मोनू पांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया और उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देना बीजेपी की बड़ी भूल है और बता दें कि पहले चरण में हुए चुनाव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि राजस्थान में बीजेपी एक दर्जन से भी अधिक सीटों पर बुरी तरह से हार रही है और शुक्रवार को दुष्यंत चौटाला झज्जर पहुंचे, साथ ही उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों ले लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए कि अपने समय में इंदिरा गांधी ने भी इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था और लेकिन अपनी सीट तक वो बचा नहीं पाई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देना बीजेपी की बड़ी भूल है और साथ ही पहले चरण में हुए चुनाव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि राजस्थान में बीजेपी एक दर्जन से भी अधिक सीटों पर बुरी तरह से हार रही है और शुक्रवार को दुष्यंत चौटाला झज्जर पहुंचे, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए कि अपने समय में इंदिरा गांधी ने भी इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया था और लेकिन अपनी सीट तक वो बचा नहीं पाई थी। बता दें कि तस्वीरें झज्जर की है जहां दुष्यंत चौटाला झज्जर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला।
पार्टी के सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रोग्राम चल रहे हैं और उसके अंदर हल्का लेवल पर बैठ के कर कैसे आगामी चुनाव में गांव और बूथ लेवल पर कार्य होना चाहिए, शहर के वार्ड और बूथ लेवल पर काम होना चाहिए, उसके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। जल्द 5 की भी सूची बैठक कर पार्टी घोषित करेगी। मैं मानता हूं कि जो परिणाम होंगे वो बड़े पॉजिटिव भी होंगे और हमारा जो वोट शेयर 2019 में था उससे 3-4 गुना ज्यादा भी पार्टी को वोट मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सीट जीत मानते हो सर? अभी तो कैंडिडेट ही नहीं आए। चलिए बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। खबर सोनीपत से है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी संग बलकर 5 साल की बेटी के डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके मामा के घर बच्ची को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई और वहीं जब मामा ने बच्ची को देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उन्होंने पुलिस को इसके सूचना दी और इस दौरान सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं परिजनों ने जल्दी दोनों की गिरफ्तारी के साथ दोनों को फांसी की मांग की है। मामला सोनीपत का है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल की बेटी के डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। किस प्रकार से आपकी पोती के साथ बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है? कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, फांसी होनी चाहिए उसको, हमने कुछ नहीं मांगा मेरी। अच्छा, कितने दिन पहले ये गई थी? पहले कब से? 7-8 महीने पहले जी वो ले गई थी। उन्होंने कहती थी इनको मैं 2-3 दिन के लिए ले जाऊंगी, अपने भाई का पहुंची वहां जाओगी, मैं 2-3 दिन के बाद में छोड़ जाऊंगी। जिसने फोन उठाने बंद कर दिए, उसके बाद फिर मारी गला यहाँ 11 बजे भी एक दिन आकर धमकी दे दी थी, वही तो वो वगैरह उतारी थी। अगर मैं ना मेरी बेटी ने ना दोगे ना तो ना जान तो मरवा दूंगी। और कैसे आपकी बेटी की हत्या हुई, किसने हत्या की है? नाम मेरा फिरोज है जी, मेरी बेटी की पीट पीट के हत्या की है। रवीना पंकज दोनों ने मिलकर हत्या की है जी। और पूछताछ करी जाए कौन कौन शामिल है इसमें जी, पता तो उनको ही हुआ कैसे की है। अच्छा, आपकी बेटी का क्या नाम था और कितने महीने पहले वो यहाँ से उसकी माँ लेके गई थी? तन्वी नाम था, 8 महीने पहले लेके गई थी। क्या कह के लेके गई थी? 2-3 दिन में छोड़ जाएंगे जी, ऐसे बोल के लेके गई थी। थाना सदर सोनीपत में फिरोज खान पुत्र आस मोहम्मद निवासी जिला सोनीपत ने शिकायत दी थी कि मेरी पत्नी ने मेरी 5 वर्ष की बच्ची की हत्या कर दी है, जिस पर थाना सदर सोनीपत की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे तफ्तीश जारी है। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।